हेलो, कैसी है सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे देख के पता चल रहा है आप लोगों को। तो चलो आगे जाते हैं, फिर दिखाऊंगी। और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल बटन ऑन करना मत भूलना सभी, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है अभी। और लाइक कर देना सभी, फिर वीडियो स्टार्ट करना देखना, ठीक है? तो चलो आगे जाती हूँ। ये गाय दादा है, वो बताएंगे। हिंदू रिलीजन, इस्लाम रिलीजन। तो दिल्ली का लास्ट हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ये थोड़ा आवाज नहीं। उसके पास, उससे पहले थे अनंगपाल तोमर। उन लोग के टाइम में दिल्ली का शहर का नाम था लालकोट। लालकोट शहर यही जगह सेंटर है। उसके अंदर 27 हिंदू टेम्पल था। बाद में आपका इस्लाम रूलर इंडिया का फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, वो राजा हुए थे 1192 में। तो वो टेम्पल के साथ मस्जिद बना दिए सेंटर में। ये मस्जिद है, उसके मंदिर भी है। उसके अंदर कॉरिडोर में सारा मंदिर का पिलर है, राइट, मिक्स है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार को स्टार्ट किया विक्ट्री टावर, इसलिए विक्ट्री टावर के लिए। बट कुतुबुद्दीन ऐबक आपका पहली मंजिल यहाँ तक बनाने के बाद डेथ कर गए। फिर उनके दामाद इल्तुतमिश ने इनको कंप्लीट किया पूरा, बाकी का, हाँ, बाकी ऊपर का टोटल पार्ट। टोटल 5 मंजिल है। इसका बनाने का मकसद क्या था? विक्ट्री ऑफ इस्लाम, विजय स्तंभ इस्लाम के नाम पर। इसका हाइट है 72.5 मीटर, 238 फीट। इंडिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग रॉक से बना हुआ, और अंदर चढ़ने के लिए सिर्फ सीढ़ी है, इसे घूमता हुआ स्पाइरल 379 स्टेयर। बट बंद हो गया ये, दो बार मेजर एक्सीडेंट हुआ। पहला हुआ बच्चों वाली घटना 1982 में, स्कूल के बच्चे चढ़े थे बहुत सारे, अचानक लाइट चली गई तो अंधेरा होने से बच्चों में भगदड़ मची थी बाहर निकलने के लिए। उस समय 45 बच्चों की डेथ हुई थी, तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। फिर 84 में पहला मंजिल ये स्टोरी चालू हुआ, यहाँ तक लोग जाएंगे। फिर बाद में हमारे इंडियन कुछ कपल ऐसे थे, 3 बार सुसाइड किए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सुसाइड पॉइंट हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, तो इसको बंद ही कर दिया जाए परमानेंट। 84 से आज तक बंद है, सिर्फ बाहर से लोग देख के चले जाते हैं, मेंटेन होता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी से यूनेस्को साइट है, हेरिटेज साइट, ठीक है? तो मेंटेनेंस तभी इतनी सफाई है, नहीं तो यहाँ तो कचरा भरा रहेगा, राइट। अब इसके ऊपर देखें, कुरान की आयतें हैं अरबी भाषा, और हर मंजिल का डिजाइन अलग अलग है। इस मीनार को कभी भी ऊपर से देखेंगे रियल व्यू तो लोटस फ्लावर दिखेगा, कमल का फूल, वाइल्ड लुकिंग लोटस। तो पहला मंजिल में दो तरह के कॉलम बना है, 1 हाफ सर्किल एंगुलर, हाफ सर्किल एंगुलर, ये फ्लावर पेटल्स डिजाइन। सेकेंड आपका हाफ सर्किल, थर्ड एंगुलर, चौथी प्लेन मार्बल, पांचवी मार्बल और सैंड स्टोन मिक्स है, ऊपर से लोटस फ्लावर दिखेगा। अब ये बिल्डिंग आप सोचे कि 800 इयर्स ओल्ड, लॉन्ग लास्टिंग क्यों कर रहा है, कैसे बना? उस समय सीमेंट तो होता ही नहीं था, और मोटर कंक्रीट बनाने का भी ज्ञान नहीं था, तो इसका इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है, लेगो ब्लॉक, पजल टेक्नोलॉजी, विदाउट सीमेंट, पेस्ट, यस। अच्छा, ये लॉकिंग में ही खड़ा है? लॉकिंग में खड़ा है, यस। थोड़ा सा टिल भी है ना, वो क्या है? 5 डिग्री टिल्टेड इसको बनाया गया। अच्छा, ऑलरेडी वैसे ही बना है। हाँ, ऐसा है बनाया गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगा तो ये सारे मस्जिद सब टूट जाएंगे, ये खाली जगह में। 5 डिग्री हाँ, एक मंजिल डैमेज हुआ था तो फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करके मार्बल लगा दिया ऊपर। सुना था वो तो भी ये मारने के बाद कोई ऐसा नहीं, एक मंजिल लाइटनिंग से डैमेज हुआ, बिजली के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक ने मार्बल लगाया। उनका दमन है, फिर सर तुगलक अलग था, तुगलक डाले जैसा हर, इधर आ जाए। मदरसा स्कूल, इस्लाम का स्कूल। अच्छा, ये वाला? हाँ, मदरसा बोलते हैं इसको, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ,
14th सेंचुरी मदरसा स्कूल है 600 ईयर ओल्ड। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा आया उसने जब रूल करना शुरू किया तो यहीं पर मस्जिद के साथ स्कूल खोला इस्लाम लोगों की पढ़ाई के लिए स्टडी की। बिल्डिंग को कंक्रीट सीमेंट से बनाए थे तो सब खंडर हो गया, वो पत्थर सब गवर्नमेंट ने लगाया, खराब हो गया, सब खराब हो गया। और अल्तुतमिश जो थे सेकेंड राजा जो मीनार को कम्प्लीट किए उनके बॉडी को उस बिल्डिंग में दफनाया गया, पुणे में जो बिल्डिंग दिख रहा है ना लास्ट में वहाँ पर दफनाया गया उनके बॉडी अल्तुतमिश को। उनकी डॉटर का नाम था रजिया सुल्तान, ये हमारे इंडिया में रजिया फेमस है क्योंकि इस्लाम रिलीजन की पहली लेडीज जो रूल की दिल्ली में फादर के मरने पर 4 ईयर्स, बट इस्लाम लोग उनको लाइक नहीं किया कि लेडीज होकर रूल कर रहा है तो उसको किल कर दिया, कैथल में मारी गई। अच्छा, 4 साल फिर भी की, हाँ 4 साल रूल की, क्या क्या 4 साल, 4 ईयर रूलिंग शासन, रूलिंग उसका शासन चलता था, कंट्रोल करती थी पूरा। इस तीनों राजा के बाद ये थे स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, 3 जनरेशन कुतुबुद्दीन, अल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, तो अदर डायनेस्टी थे, इनसे कोई रिलेशन नहीं। तो एक हाँ पद्मावत मूवी वाले थोड़ा क्रैक मारे तो वो एक दूसरा मीनार बना रहे थे, दिखा रहा हूँ आज। अच्छा वाला ऊंचा बिल्डिंग वही मीनार बना रहा था, इसके अगेंस्ट में डबल हाइट का। अच्छा सोचा इसका ऊपर का ना हो, मेरा नाम फेमस हो जाएगा, बस उसने हाइट बनते बनते अलाउद्दीन खुद मर गया, मर गया, वो मीनार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया, अनफिनिश्ड टावर। तो अलाउद्दीन के नाम से वो अलाई मीनार, कुतुबुद्दीन के नाम से कुतुब मीनार, दो टावर। अच्छा वो अलाई मीनार खंडर था कंक्रीट से, कुछ भी नहीं है। और हमारे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में फेमस एक लोहे का पिलर आयरन, ये देखिए ये आयरन पिलर ब्लैक रिलेटेड मंदिर का है पार्ट। तो ये क्या जो अपना चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय ने बनाए थे 4th सेंचुरी, बट यहाँ पर आया ये 12th सेंचुरी अनंतपाल तोमर ने लाए, उधर से लेके इधर डाले, इधर डाले ये मध्य प्रदेश में विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उदयगिरी हिल के ऊपर, तो ऊपर स्तंभ भी था ना, ऊपर इसके ऊपर गरुड़ का स्टैचू था, ईगल लॉर्ड विष्णु के वाहन होते हैं, इस्लाम पीरियड में मिसिंग कर दिया गया, हटा दिया उसको। अब इस लोहे की खासियत है 1600 साल पुराना लोहा ओपन एरिया में रहते हुए जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगा, व्हाई ये सब जानते, 2 साल के बच्चे बताते हैं जंग नहीं लगता, बट व्हाई, तो ये अपना हिंदी में बोलते हैं पंच धातु से रोट आयरन एलॉय, पंच धातु से बना हुआ है, मैक्सिमम फास्फोरस, लिटिल कार्बन है, कम मात्रा में कार्बन, इसीलिए रस नहीं लगता, बट हमारे इंडियन मैथोलॉजी में लोग इसको पीछे से ऐसे पकड़ते थे गुड लक के, तो लोगों के छूने से टच करने से केमिकल रिएक्शन होता है, हाथ में पसीना तो नीचे जंग लगा हुआ है, नीचे जंग लग गया, इसीलिए वो बैरिकेड कर, यूनेस्को ने बैरिकेडेड कर दिया, बंद कर दिया कि कोई टच नहीं करे। अच्छा अभी धूप छाओ में आ जाएगी। इसका हाइट है 7 मीटर, 1 पीस सॉलिड, वजन है 6000 kg, 6000 किलो का 1 पीस सॉलिड है, तो ये ध्वजा है लॉर्ड विष्णु का, बट हमारे इंडियन 80% उसको अशोका पिलर बोलते हैं, अशोका पिलर 100% रहो, ये बच्चे लिख देंगे एग्जाम में माइनस मार्क। अच्छा अच्छा इसको क्या बोलते हैं, अशोका पिलर ही बोलेगा ना, नहीं बोलेंगे अशोका पिलर, आपका सारनाथ में है, अच्छा जिसके ऊपर लायन स्टैचू फोर्ट है, वही तो बोल रहा हूं, इसको बोलेंगे आयरन पिलर, लॉर्ड विष्णु फ्लैग, विष्णु भगवान का ध्वजा, ध्वज स्तंभ, गरुड़ का स्टैचू, अशोका अशोक लायन का स्टैचू, वही में बोला वो तो उसका मुंह बना था, ये डिफरेंट है दोनों, ये आयरन प्लेयर है, बट 80% लोग इसको अशोक का प्लेयर। अरे ये कवर किसका है, कवर उसके अंदर सर मस्जिद के अंदर इमाम का, ये सामने जो है बीच में, उसी बीच में इमाम होते हैं इस्लाम में, नमाज पढ़ाने वाले, उनको दफनाया। अच्छा अच्छा नाम का पता नहीं। अरे ये सब क्या था, ये कॉरिडोर होता था मुस्लिम लेडीज को नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा नमाज ओपन एरिया में,
ओपन एरिया में जेंट्स लोग पहनते थे, मतलब कोरान पहन और ये किस लिए बनाया था, ये बीच वाला मस्जिद है, मतलब उसके लिए बना था मंदिर, इधर मंदिर था वो मस्जिद था। और पीछे भी कुछ है क्या या खाली है? गार्डन है सर, इसके और आगे जाएंगे तो बाउंड्री वॉल के बाहर जो है आर्कियोलॉजिकल पार्क है गार्डन, उसके अंदर जमाली कमाली टॉम, मॉस्क, राजों की बावली, स्टेपवेल और बलवन टॉम, वो बाहर से जाना होगा, अंदर से नहीं कनेक्टेड, पुराने समय में कनेक्टेड था सर, उसको ब्लॉक कर दिया यूनेस्को। तो ये है सारी डिटेल। अच्छा, और ये और अपना अपना ये क्या बोलता था, इंडियन हिस्ट्री के ये कितना है टोटल एरिया, कितना एरिया 25 एकड़ में, 25 जो यूनेस्को के अंडर है, वो बाहर छोड़ के, वो छोड़ करके ये 25 एकड़ एरिया है, वो एरिया जो यूनेस्को ने किया कैप्चर किया, यूनेस्को साइट है, काफी ओल्डेस्ट हिस्ट्री है। गाइड दादा ने 200 रुपए लिया। गाइड ले लिया, सोचे थे कि लेंगे कि नहीं लेंगे क्योंकि इधर ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन लिया, अच्छे मतलब सब कुछ जानकारी मिल गया, आप लोगों को भी दिया जानकारी। कुतुब मीनार ब्लॉग तो कुतुब मीनार में ख़त्म कर रही हूँ, फिर दूसरे कहाँ पे जाऊँगी पता नहीं, फिर जाके नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल और हाई बटन दबा देना, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और जहाँ पे जाएंगे गाइड लेने की कोशिश करूँगी तो फुल डिटेल आप लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है? तो कुतुब मीनार के सामने, बाय।